वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCA BCA रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन फरवरी 2021 MCS 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 1B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1+2+3 up to n इज इक्वल टू n into n+1/2। 4 मार्क्स का है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। आपको छोटी सी स्टेप बस फॉलो करनी है और आप बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 1+2+3+4 and so on up to n, और इसकी जो सीरीज़ है उसका सम क्या हो रहा है, n into n+1/2। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हम लोग मानते हैं कि P1 के लिए क्या ये ट्रू है, क्या ये प्रपोजिशन P1 के लिए ट्रू है। अगर हम इसको प्रपोजिशन मान लेते हैं तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये P1 के लिए ट्रू है। देखिए, ये n टर्म का सम है ना, अगर एक टर्म का कहा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है ना, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा इसके, 1 into 1+1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 into 2/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि P1 is true। ठीक है, अब हम मानते हैं कि let PK is true। ठीक है, PK मान लीजिए, PN मान लीजिए, कुछ भी ट्रू मान लीजिए। अगर PK को हम लोग ट्रू मान रहे हैं, लेट PK बी ट्रू, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, देन हम प्रूव करने जा रहे हैं कि PK+1 is also true। ठीक है, हम PK को ट्रू मानते हुए PK+1 को ट्रू प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब PK की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन हो जाएगी PK के लिए क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी 1+2+3+4+k टाइम्स। ठीक है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, k into k+1/2 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि ये PK+1 के लिए भी ट्रू होगी। तो जब PK+1 के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1+2+3+4 and so on k तो रहेगा, साथ ही साथ एक टर्म और बढ़ जाएगा k+1। ठीक है, ये टर्म आपका और ऐड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, k की जगह k+1 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर k की जगह k+1+1 कर लीजिए, upon 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए, अब यहां से लेके यहां तक को अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका इसके, k into k+1/2 के। तो इसकी जगह हम लोग k into k+1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बन गई k into k+1/2 हो गया, और यहाँ पर क्या है, k+1 है। ठीक है, तो देखिए k+1 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपने क्या करा, k+1 को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, k+, हम डायरेक्ट एलसीएम ले ले रहे हैं, k+2/2। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, k+1, और इसी को लिख सकते हैं आप k+1/1 है ना, और upon 2।
तो देखिए ये सेम इसके बराबर बन गई, अगर k की जगह k प्लस वन करते हैं ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगी k प्लस वन इंटू के प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि पी एन मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।